क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम एंड एच ए स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कैसा है? यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या समझते हो? एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन जीरो है ना। ये ध्यान रखना, अभी अब काम आएगा। अभी अपने मुझे क्या निकालना है? टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट सेंटर, ठीक है। जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है नीचे से, इंक्लाइन से, उसका सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालना है। ओके, चलो अब देखो ये डायग्राम, ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो क्या क्या लग रहा है? एक एम जी कॉस थीटा लग रहा है, ठीक है। वो कहां से पास हो रहा है? सेंटर से। सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, ओके। एम जी साइन थीटा कहां से पास हो रहा है? साइन थीटा सेंटर से। एम जी साइन थीटा भी सेंटर से पास हो रहा है, ये सेंटर मास है इसका, है ना। अच्छा, तो एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये दोनों सेंटर सेंटर मास से पास हो रहा है। बच गया कौन सा? एक फ्रिक्शन, हां, ठीक है। फ्रिक्शन दिख रहा है? फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? ऊपर। और फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा ये बताओ? एमजी साइन थीटा है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो अलोंग द इंक्लाइन अगर फोर्सेस इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? ये वाला एमजी साइन थीटा और फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब बच गया क्या? नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल देखो, मैंने इधर से पास कराया, सेंटर से पास नहीं कराया। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, लेट अस सी हाउ, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन ये उठता है कि इज द ब्लॉक इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम? क्या ब्लॉक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? स्फेरिकल नहीं है ना, रोटेट नहीं करेगा। रोटेट नहीं कर रहा, स्फेरिकल है, उससे मुझे मतलब नहीं है। ब्लॉक रोटेट नहीं कर रहा, वो सीधे सीधे नीचे आ रहा है, स्लाइड कर रहा है। सिंपली ट्रांसलेटिंग, इट्स नॉट रोटेटिंग, है ना। इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है वो, ठीक, आया समझ में। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा चलो, अब एम जी साइन थीटा का टॉर्क और एम जी कॉस थीटा का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है? जीरो। क्यों? वो दोनों सेंटर से ही पास हो रहे हैं, है ना। बच गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का टॉर्क कुछ आएगा क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट? ऊपर जाते देखते हैं, फ्रिक्शन पास कर रहा है क्या सेंटर मास से? नहीं, नहीं ना। कुछ डिस्टेंस है? कितना? ए बाई टू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम द सेंटर मास इज ए बाई टू। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा सेंटर मास के अबाउट? एम जी साइन थीटा इंटू ए बाई टू, ठीक है। और ये डायरेक्शन कैसा है? फ्रिक्शन कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको सेंटर मास के अबाउट? काउंटर क्लॉकवाइज। अब तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई टॉर्क तो चाहिए ना हमको, नहीं चाहिए ना। तो फ्रिक्शन का टॉर्क को बैलेंस करने के लिए हमको चाहिए टॉर्क। वो टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल प्रोवाइड करेगा। तो नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास करे तो नॉर्मल का टॉर्क भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो हो जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन का टॉर्क बैलेंस नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? समझे? तो नॉर्मल ऐसा शिफ्ट होगा सो दैट The normal is producing a clockwise torque about center of mass, ठीक है।
इसलिए नॉर्मल किधर शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, नीचे। क्लियर है ना? अब नॉर्मल शिफ्ट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्लॉक पे जो नॉर्मल लग रहा है ना, वो नीचे वाले सर्फेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, समझ रहे हो? नॉर्मल एक पॉइंट से थोड़ा ना लग रहा है, नॉर्मल तो हर पॉइंट पे लग रहा है ना, समझे क्या बोला मैंने? नॉर्मल इज एक्टिंग ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द बॉटम सर्फेस ऑफ द ब्लॉक, हाउएवर इट्स नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? सो वी कैन से that the normal, the point of application of the normal is shifting downwards from the center of mass. Okay? तो normal का जो torque होगा उसका magnitude कितना होगा, वो भी उतना ही होगा जितना friction का torque है balance करने के लिए, हाँ, लेकिन direction क्या होगा, clockwise, समझ गए? नॉर्मल का वो एमजी कॉस थीटा नहीं है क्या? क्या एमजी कॉस थीटा नहीं है ना? नॉर्मल का वैल्यू एमजी कॉस थीटा है, ठीक है? नॉर्मल के टॉर्क का वैल्यू होगा एमजी साइन थीटा इनटू ए बाय टू। अच्छा, आगे को बैलेंस करते हैं फ्रिक्शन का टॉर्क को बैलेंस करना है ना अपने को, समझे? क्लियर? अगर हमको x निकालना है तो x ऐसा आएगा ना, tan थीटा a/2। यस, mg cos थीटा into x is equal to mg sin थीटा into a/2, ठीक है? क्लियर?